लोगों के बीच खौफ का पर्याय बन चुका टिल्लू ताजपुरिया का भले ही अंत हो चुका हो, लेकिन उसके सदस्य आज भी एक्टिव हैं। और न केवल वो सक्रिय हैं, बल्कि लोगों के बीच आतंक फैलाने का भी काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ऐसे ही गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने सुमित अलियाज झुमका को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। सुमित उर्फ झुमका पहले भी हत्या और हत्या के प्रयासों के मामले में शामिल रहा है। साथ ही कंझावला के हत्याकांड में पेरोल जंपर होने का भी आरोप है। कल शाम को स्पेशल स्टाफ रोहिणी ने आफ्टर ए ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के की शूटर सुमित अलियास झुमका को अप्रीहेंड किया। और ये जो सुमित अलियास झुमका था, ये अलीपुर में अप्रैल में एक मर्डर हुआ था नरेंद्र नाम के शख्स का, जो गोगी गैंग से बिलोंग करता था, उसमें ये की एक्यूज था। इसके अलावा 2021 में पुलिस स्टेशन कंझावला के एक मर्डर केस में ये पैरोल पे था, तो पैरोल जंप कर दी थी इसने। एंड इसके अलावा 3 और केसेस में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। और इसमें हमारी टीम ने काफ़ी मशक्क़त के बाद इसको काबू किया, और हमारी टीम ने के ऊपर इसने फायर किया, तो जवाब में हमारी टीम ने फायर किया इस पर। इस संबंध में रोहिणी जिला के DCP डॉक्टर गुरिकबाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 19 जून को पुलिस को रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ को टिल्लू ताजपुरिया और संदीप ढीला गिरोह के एक सक्रिय सदस्य सुमित उर्फ झुमका के बारे में बेगमपुर थाना क्षेत्र में आने की सूचना मिली थी। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट के आधार पर जानकारी मिली कि सुमित अलियास झुमका सुरक्षा के बदले में भारी मात्रा में धन वसूली करने के लिए रोहिणी सेक्टर 24 में आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रोहिणी में जाल बिछाया और सुमित उर्फ झुमका को जब आते देखा तो उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन सुमित अलियास झुमका भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर ही गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में सुमित उर्फ झुमका पर गोलियां चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लग गई और जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एक तो हमारा पैरोल जंप किया था इसने 2021 में कंझावला के केस में। इसके अलावा एक अलीपुर में जो अप्रैल 2024 में मर्डर हुआ था आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा एक 307 का केस आउटर नॉर्थ में इसके ऊपर था 2019 में, उसमें भी ये नॉन बेलबल वारंट इसके ऊपर इशू हुआ था। और इसके अलावा अपना 2 और केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। इसने इनिशियल क्वेश्चनिंग में बताया है कि इसके जो ऑपरेटर्स थे, इसको डायरेक्ट करते थे, जो अभी टिल्लू ताजपुरिया गैंग को चला रहे हैं, अमित दबंग एंड अदर कुछ पर्संस, और बाकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कुछ और सामने आएगा विल अपडेट। पुलिस ने पूछताछ के बाद खुलासा किया कि वह कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और संदीप ढीला गिरोह का शार्प शूटर है। वह अपराध करने के लिए टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के सदस्यों के लिए हथियारों की व्यवस्था भी कराता था और पहले हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में शामिल रहा है। इसके अलावा सुमित उर्फ झुमका कंझावला हत्या मामले में पेरोल जंपर है। साथ ही वह बीते 22 अप्रैल को अलीपुर में हत्या की वारदात में भी वांछित था। फिलहाल पुलिस टीम अब आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।